ये हम है, ये पहाड़ है और हमें वहां तक जाना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ और आज 12th of March है। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं 11 बजे निकल जाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली निखिल भाई आज जलंधर में रुके थे, बट मेरे को होटल मैंने ढूंढने की कोशिश की बट मेरे को होटल मिला नहीं। तो इसलिए मैं एट लास्ट मतलब कि 1:30 बजे मैं जलंधर से निकल पड़ा हूँ। तो अभी मैं जलंधर ही था तो फिर मेरे को मैसेज आया कि पोल्यूशन भी ख़त्म हो गया, तो मैं पोल्यूशन वाला करवाने आया हूँ। तो यहीं से साथ में फ्यूलिंग वगैरह भी यहीं से करवा लेंगे। आपको जम्मू में एंटर करने से पहले आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, मैंने भी फॉर्म भरा पड़ेगा और हम टेस्ट कराने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम अपना कोविड टेस्ट कराने लगा हूँ एंड मैं बहुत नर्वस हूँ इसके लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, वैसे कहने का कोविड टेस्ट। ये मौसम बड़ा अच्छा है, रास्ते में सारे रास्ते हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी। पहली बार नेगेटिव लेके खुश हुए हम ज्यादा ही। बस इतना ही काम था और इसके लिए हमें आधा घंटा वेट करनी पड़ी। एक तरफ लखनऊ के लड्डू और दूसरी तरफ पे रेनबो एंड डेडली कॉम्बिनेशन हो गया ये। वी आर इन जम्मू राइट नाउ एंड हियर इज द ब्यूटीफुल सनसेट। तो 8 बजे मैं कटरा एंटर कर गया था, तो मेरे को कितने घंटा हो गया यहाँ पे आए, मैं पूरा फ्रेश वगैरह हो गया हूँ। तो मैं अभी पूरा रेडी होके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो अभी सीधा ऊपर चढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो मैंने ऑनलाइन स्लिप कटा ली थी इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 बजे बंद हो जाता है जो स्लिप वगैरह कटती है। तो अब हम जा रहे हैं। जय माता दी। आज सुबह यहाँ पे बारिश के कारण थोड़ी सी ठंड हो गई और हम एक ये है और एक मैं हूँ, हम दोनों यहाँ बस हाफ स्लीव में, बाकी सबने जैकेट जरा डाली हुई क्योंकि बहुत ठंड हो गई है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, बाकी माता रानी देगी हिम्मत। Look at the view, man. It's really amazing. Finally, halfway done हो गया, अधगुआरी पे पहुंच गए हैं। Halfway रह गया और ठंड है बट ठीक है, तो चल रहे हैं तो कम लग रही है, जहाँ पे बैठ रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा लग रही है। ठीक है टेम्परेचर तो मैं तो हर साल आता हूँ तो चलो ठीक है, मैं इस चीज़ का मेरे को पता है कि थकान होती है। ये फर्स्ट टाइम आया तो ये थोड़ा सा ज़्यादा थक गया, बट ये अपने आप को हौसला दे रहा है जो बंदे वापस आ रहे हैं नीचे उतर के, कि उन्होंने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा।
फाइनली यहाँ पे आकर बहुत सुकून मिलता है जब ये दिखना शुरू हो जाता है भवन। और जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम भवन बस 200-300 मीटर दूर रह गया होगा। और उससे पहले ये प्रसाद यहाँ से मिलता है। बहुत लोग गलती करते पहले आगे चल जाते हैं, बाद में फिर से वापस आना पड़ता है। तो हाईली रिकमेंडेड आप अगर आपको प्रसाद लेना तो पहले यहाँ से लेके फिर जाएं आगे। अभी 3:45 हो गए हैं तो 2 बजे मैंने माथा टेक के बाहर आ गया था मैं। और अभी सागर रत्न से कुछ खा के निकले हूँ और जो मेरे साथ था उसकी तो बैटरी लो हो गई। वो कहता कि मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, तो मैं कहा मैंने तो जाना आगे, तो मैं आगे जा रहा हूँ। तो वो मेरे को अब अर्धकुंवारी पे मिलेगा, तो मैंने कहा मेरी वेट करना, तो मैं भी आ जाऊँगा उधर। मैं नाउ इट इज़ अ नेक्स्ट लेवल चैलेंज फॉर मी। एक तो भैरव मंदिर की चढ़ाई बहुत स्टीप है एंड दूसरे मैंने कपड़े भी नहीं डाले हुए और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इट्स अराउंड 5 to 6 डिग्री टेम्परेचर राइट नाउ। लिटरली मेरे गूज बम्स प्रॉपर पूरी तरह से खड़े हैं। और ये चढ़ाई देखो कितनी स्टीप है, ऐसे शायद नहीं पता लगेगा, शायद आपको यहाँ से पता चल होगा कि चढ़ाई कितनी स्टीप है इसकी। जो ये मेरे पीछे रास्ते को मैं इधर से आया था भवन से, अब जो ये रास्ता है ये सीधा ये भी अर्धकुंवारी पे जाता है, तो वो वेट कर रहा होगा, तो मैं इधर से अर्धकुंवारी जा रहा हूँ। रात को इधर आने का बस एक ही फायदा है, इधर थोड़ा रश कम होता है रात को, जो दिन में बहुत ज़्यादा रश होता है। क्योंकि जैसे हम ऑनलाइन यात्रा पर्ची कटा के आए थे, आधे लोगों को पता ही नहीं ऑनलाइन भी कट जाती है ये, क्योंकि वहाँ पे 6 बजे के बाद वो ऑफिस बंद हो जाता है, उसके बाद बनती नहीं है। तो अगर आपने भी आना है, आपको अच्छे दर्शन चाहिए, तो आप भी ट्राई करो कि रात को दर्शन करने का ट्राई करना। फाइनली हम वापस आ गए वहाँ से और अप्रॉक्सीमेटली भैरव मंदिर से नीचे कटरा तक अप्रॉक्सीमेटली मैंने 400 पौड़ियाँ उतरी, सॉरी 4000। तो अभी वैसे सनराइज को होने को भी टाइम है, अभी 5:45 हुए हैं और मैं वहाँ से निकला था 4:45। तो मिलते हैं आपको, ठीक है, रेस्ट वगैरह करके उसके बाद मिलूँगा मैं। दोपहर के 1 बज गए तो हम 7 बजे होटल में आ गए थे, तो उसके बाद हम सो गए, तो अभी नहा धो के निकले हैं। तो पहले हमारा प्लान था कि हम यहाँ से पत्नीटॉप चल जाएंगे, बट फिर हम 2 ही रह गए क्योंकि बाकी कैंसिल कर गए थे ऑन दी स्पॉट। तो अब हम फिर वापस जलंधर ही जा रहे हैं कि 2 जानों का वहाँ पे कुछ जाके फ़ायदा नहीं है, हम बोर हो जाएंगे वहाँ पे जाके भी। तो हम अभी पलवान्स के रुके हैं कहते लंच वगैरह करने के लिए, ये जम्मू के आगे है। यहाँ का खाना वगैरह बहुत अच्छा होता है, पहले मैं वॉशरूम वगैरह करने जाऊँगा, वॉशरूम पहले वॉशरूम वगैरह करके फिर अंदर जाते हैं। ओके गाइस, मैं अंदर जा रहा हूँ खाने, तो सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। एंड अगर कुछ आगे दिखाने के लिए होगा तो मैं दिखा दूँगा, वैसे कुछ है नहीं क्योंकि वो सेम ही रास्ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ब्रदर फूड कैसा था? Thank you.